नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्किन शाइन क्रीम के बारे में, और इस क्रीम के बारे में हम आपको पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, इससे पहले जब मैंने स्किन शाइन क्रीम का वीडियो बनाया था तो आप में से बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारे भर भर के कॉमेंट्स आए हुए थे, क्या ये एक फेयरनेस क्रीम है, क्या इस क्रीम को गोरा होने के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या फ्यूचर में हो सकते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आपने YouTube पे देखा होगा, आपको बहुत बुरी तरीके से मिसगाइड भी किया जा रहा है इस क्रीम को लेके। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, स्किन शाइन क्रीम मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी काफी ज्यादा डिमांड है और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इसके अंदर 3 मोस्ट इंग्रेडिएंट्स जो है अवेलेबल होती है, हाइड्रोक्विनोन, ट्रीटिनोइन एंड मोमेटासोन। अब हम बात करेंगे क्या इस क्रीम को गोरा होने के लिए यूज करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हाइड्रोक्विनोन होता है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारे स्किन पे मेलानिन के प्रोटेक्शन को कम करके स्किन को गोरा दिखाने का काम करती है। लेकिन क्या हम इस क्रीम को गोरा होने के लिए यूज कर सकते हैं, क्या ये सही है? तो इस क्रीम को दोस्तों गोरा होने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मोमेटासोन होता है, ये एक स्टीरॉइड क्लास की दवा होती है, और स्टीरॉइड चीजें जो है हमारे लिए इतनी सेफ नहीं होती है। डॉक्टर भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ऐसे स्टीरॉइड चीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या ये एक फेयरनेस क्रीम है। तो दोस्तों, ये एक फेयरनेस क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी किसी के कहने पे इस क्रीम को गोरा होने के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर में कई सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या इस क्रीम का मेनली यूज कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, इस क्रीम का जो मेनली यूज है वो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर आपके चेहरे पे काफी ज्यादा मेलेज्मा है, दाग धब्बे हैं, ठीक है, या पुराने निशान है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर इस क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, ये एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है, यानी कि ये क्रीम लगाने से पहले डॉक्टर की एडवाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और हाँ, इस क्रीम को ओनली फॉर नाइट में अप्लाई करना चाहिए, डे में भूल के भी इस क्रीम को अप्लाई नहीं कीजिएगा। और हाँ, इस क्रीम को हल्के मात्रा में अप्लाई करना चाहिए, और जब भी आप इस क्रीम को अप्लाई करना चाहते हो, उससे पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश करना है फेस वॉश से। फेस वॉश आप कोई भी नेचुरल फेस वॉश यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको हल्के मात्रा में इस क्रीम को अप्लाई करना है। अब बात करेंगे हम इस क्रीम के कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्या क्या दिख सकते हैं। तो ऐसा सभी लोगों के स्किन पे नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों के स्किन पे रेडनेस होना, इचिंग होना, इरिटेशन होना, ठीक है, या इसके अलावा जो है स्किन का निकलना, स्किन का पतला पड़ जाना, इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स है इस क्रीम को लेके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।